The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. और आपके डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपका इम्यून सिस्टम खराब कर रही हैं या आप कैसे अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? द नंबर वन रीज़न इन योर लाइफस्टाइल जो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम करेगी ऑब्वियसली स्लीप है. आप नींद अगर सही नहीं लोगे, अगर आप सेवन आवर्स से कम नींद, यानी कि आपकी नींद 6 आवर्स हैं, 5 घंटे हैं पूरे दिन में या छोटी छोटी है, तो इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा. सेम थिंग होती है बुढ़ापे में, जब आपकी नींद हो जाती है कम, नींद हो जाती है कच्ची, तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, इसलिए बुढ़ापे में बीमारियां जल्दी होती हैं, राइट? यंग एज में, बचपन में आप बढ़िया सोते हो तो बीमारियां कम होती हैं. सो मेक श्योर कि आप 7 to 9 यानी 9 घंटे की 8 घंटे की नींद लीजिए अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है तो. नंबर वन बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट. नंबर टू रीज़न इज़ एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते हो तो इम्यून सिस्टम वीक होता है. आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चैलेंजिंग एक्सरसाइज करनी है अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार, तो आपकी इम्यून सिस्टम बेटर होगा. नंबर थ्री रीजन इज योर डाइट. अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे, फ्लूइड्स आर द बिगेस्ट रीजन. नंबर थर्ड फ्लूइड. अगर आप सही मात्रा में पानी पिएंगे, यानी कि लड़कों ने पीना चाहिए 3.7 लीटर, लड़कियों ने 3 लीटर्स, और 3.7 से अब गर्मियों में 1 लीटर एक्स्ट्रा, सो 4.7 के आसपास पीने की कोशिश करिए लिक्विड्स. सो पानी बहुत ज़रूरी है, और डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़रूरी है, सैलेड्स ज़रूरी है. अगर आप सैलेड्स डेली नहीं खाते, फ्रूट्स डेली या रेगुलरली नहीं खाते, तो भी आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगी, बिकॉज आपकी बॉडी को चाहिए विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, आपकी कैरोटीन, जिंक, ये सब चीज़ें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब आपको इन चीज़ों से मिलता है. तो फिर आपको मल्टीविटामिन दिए जाते हैं. कई बार देखा होगा डॉक्टर कुछ नहीं देते, सिर्फ एक मल्टीविटामिन दे देते हैं, बिकॉज दैट इज द पॉइंट. इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, राइट? सो आपको अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस रखना होगा, पानी खूब पीना होगा, आपको मिल्क इंक्लूड करना पड़ेगा B12 के लिए, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते स्पेशली, नहीं तो फोर्टिफाइड फूड, सोया एंड ऑल लेना पड़ेगा, सोया मिल्क, या फिर आप और साथ में लेना पड़ेगा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और देन यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो योगा मेडिटेशन आधा घंटा 10 मिनट करना कंपलसरी है. उसके बगैर इम्यून सिस्टम बेटर नहीं होगा, इम्यून सिस्टम और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा. रिमेंबर, क्रोनिक स्ट्रेस एक्सपोजेज योर बॉडी टू अ लॉट ऑफ लो इम्यूनिटी. क्रोनिक स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है. सो मेडिटेशन करिए, कोई भी काम कर रहे हैं रिलैक्स करो, स्लो डाउन करो, कनेक्ट दूसरे लोगों से बातचीत करो, राइट, वर्कआउट करो, उससे भी स्ट्रेस कम होता है. काउंसलिंग करा सकते हो अगर बहुत दिक्कत है. फिर एक और रीज़न है, अगर आप बहुत ही अकेले हो, अगर आपका पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, आप आइसोलेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा, तो भी आपके सोशली इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो इम्यून सिस्टम, इसके भी देखा गया है कि इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद पीपल देन योर इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रांग, योर कॉन्फिडेंस बिकम स्ट्रांग, नहीं तो आप हो जाते हैं लो, और लो में इम्यूनिटी कम होती है. देन अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर मानेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर मैटर्स,